मानसून के मौसम में सबसे ज्यादा मच्छर जनित रोग डेंगू मलेरिया होने का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, हवा में कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस फैल जाते हैं, जिससे कई अन्य तरह की बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में मच्छर अधिक पनपने से डेंगू से सबसे अधिक लोग प्रभावित होते हैं। इस संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि मानसून को देखते हुए पूर्वांचल में सबसे बड़ी बीमारी इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार, डेंगू जैसी बीमारी जनपद में सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है। इसी को ध्यान में रखकर नगर निगम पूरे वर्ष भर चूने के घोल को बनाकर छिड़काव करता है तथा 45 से ऊपर छिड़काव और फॉगिंग करने वाली टीम द्वारा प्रत्येक वार्डों में लगातार फॉगिंग कराया जाता है, जिससे कि कहीं पर मच्छर न पनपने पाए। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर जहाँ पानी का जमाव होता है, यहाँ पर भी लगातार एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाता है। उन्होंने बताया कि नगर निगम पूरी अपनी संवेदनशीलता के साथ जिम्मेदारी के प्रति सतर्क है और लगातार प्रयास करता रहता है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, मानसून को ध्यान में रखते हुए और वैसे भी चूंकि पूर्वांचल में जो एक सबसे बड़ी जो बीमारी है आप कह सकते हो कि इंसेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार, डेंगू आदि जो है इस गोरखपुर में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती रही है, और आप कह सकते हैं गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल में ये सभी इस प्रकार की जो बीमारियां हैं इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, डेंगी आदि, इससे आम जनमानस सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार इस खाली मानसून के सीजन में ही नहीं वरन पूरे वर्ष भर लगातार जो है चूना और मेलाथियन के घोल का छिड़काव हम लोग करते रहते हैं। कई बार हम लोग लगातार जो हमारे पास 45 से ऊपर सिर्फ छिड़काव फॉगिंग कराने वाले की टीम जो है उनकी टीम के माध्यम से हम लोग वार्ड वाइज जो है फॉगिंग कराते रहते हैं कि जिससे कि मच्छर ना पनपने पावे। इसके अलावा एंटी लार्वा का छिड़काव जो है मशीन मैनुअली जो है हम लोग जगह जगह जो नालियाँ हैं जहाँ पर पानी जमाव होता है या लोगों के घरों में जैसे कूलरों में, टायरों में या ऐसी जहाँ मतलब गंदगी वाली जगहों पर लगातार हमारा जो है छिड़काव चलता रहता है। इसके साथ साथ कई बार ऐसे भी आता है कि जब लगता है कि कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है उस समय हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो घोल होता है उसका भी हम लोग छिड़काव जो है कराते रहते हैं। तो निश्चित रूप से इसके साथ ही हमारे जितने हमारे साथी पार्षद साथीगण हैं या हमारी मोहल्ला निगरानी समिति है उसके माध्यम से हम सभी को उसमें जो सदस्य होते हैं पार्षद जी उसके अध्यक्ष होते हैं, उसके अलावा हमारे सुपरवाइज़र, सफाई कर्मचारी, आशा बहुएँ, ANM, ICDS की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका, ये सभी पूरी टीम में लेखपाल, पुलिस के जो सिपाही इस टीम में सदस्य होते हैं और ये सभी लोग मिलकर जहाँ जहाँ लगता है कि प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे हम लोग क्लोरीन की भी गोलियाँ बंटवाते हैं। हम जो मेडिकल किट मिलता है जो हमको CMO साहब के ऑफिस से भी उसको भी हम लोग वितरण करने में बड़ा बड़ा सहयोग नगर निगम के माध्यम से कराते हैं। तो नगर निगम चूँकि संचारी रोगों पर इस वक्त विशेष अभियान चल रहा है, विशेष संचारी रोग का अभियान का भी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 जुलाई 2022 से BRD मेडिकल कॉलेज से ही किया, जिसमें कि नगर निगम की टीम ने पूरा उसमें पार्टिसिपेट किया था। हमारे सभी वाहन और जो जिन गाड़ियों से हम फॉगिंग कराते हैं, जिन गाड़ियों से हम छिड़काव कराते हैं, उन सब ने उसमें भाग लिया था। तो नगर निगम पूरा अपनी इस पूरी संवेदनशीलता के साथ अपनी इस जिम्मेदारी के प्रति सतर्क है और लगातार हम इसमें एक्शन करते रहते हैं और कहीं से भी CMO साहब के माध्यम से ये पता चलता है कि ये अति सघन प्रभावित क्षेत्र है तो वहाँ पर हम उस क्लस्टर में विशेष ध्यान भी देते हैं। तो निश्चित रूप से लगातार कार्रवाई चल रही है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।